जब जब प्यार की बात होती है ना, तो वो सुर्ख लाल रंग जो है वो नजर के सामने आ जाता है। भैया गाना बन गया, हाय लाल इश्क। लेकिन इश्क का रंग वो होता है जो आप चाहें। अब अपनापन में ही देख लीजिए, लगता है निखिल को फिर से प्यार हो रहा है पल्लवी से, और इस बार इनके इश्क का रंग है सफेद। उम्र बचपन की और दिल बचपन का ही क्यों ना हो जाए, प्यार कभी भी किसी भी और कहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसा नजारा पल्लवी और निक को देखने के बाद लगा, क्योंकि आज निक ने बता दिया कि इश्क का रंग गेरुआ ही नहीं बल्कि सफेद भी होता है। और आज ये सेटअप और गेटअप देखने के बाद अब्बास मस्तान भी याद आ गए। खैर, इनका ये चकाचक साफ सुथरा रोमांस काफी चमकदार लग रहा है। रोमांस झलकने का रीजन वैसे तो सीन की वजह से झलक रहा है, लेकिन वैसे भी आई एम इन लव, आप लोगों को पता ही है, तो फिर इसीलिए शायद झलक रहा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते। निक एक बार फिर पल्लवी से शादी करना चाहता है, इसलिए तो निक पल्लवी को प्रपोज कर रहा है। और कप केक वाला रोमांस भी, इन दोनों के रोमांस में भला नोक झोंक ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आराम से खा लिया। अच्छा बताओ आलू का क्या भाव चल रहा है? आलू का भाव मतलब क्या? अच्छा ठीक है, प्याज का तो बताओ। यार आलू प्याज का क्या भाव है मुझे नहीं पता है, मेरा किचन स्टाफ देखता है। मैं कुछ नहीं बताऊं, इससे हमारी शादी का क्या कनेक्शन? अरे तो कपकेक का शादी से क्या कनेक्शन है वो बता। अगर मैं हाँ नहीं कहूंगी तो क्या खाने नहीं जाओगे तुम्हें? छोटा छोटा भाई। अरे ये क्या छोटा छोटा भाई, एक कपकेक खा लियो ऐसा कह रहे हो जैसे मैंने सब खा लिया। तुम कितनी बड़ी फूडी हो यार, तुमने पूरा केक खा लिया। अरे क्या कर रहे हो, एक कपकेक खा लिया, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सब खा लिया। सही कहते हैं अमीर लोग कंजूसी रहते हैं। अरे ये तुमने क्या किया यार, तुम रिंग खा गई कपकेक में? रिंग थी? अरे हाँ, जो तुम्हें प्रपोज करने के लिए रिंग लाया था वो खा गई। तुमने कपकेक में रिंग डाली? मैं तुम्हें स्टाइल मार रहा था यार। ऐसी कोई स्टाइल मारता है कि मेरे पेट में रिंग गई? क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम? ओह ये बात है, इसलिए निक इस बात को लेकर चिंतित थे कि पल्लवी कपकेक को भुक्कड़ की तरह न खाए बल्कि धीरे धीरे खाए, क्योंकि निक ने कपकेक के अंदर रिंग छुपा रखी थी। इस उम्र में भी निक को सरप्राइज देने के बड़े आइडियाज आते हैं, लेकिन कपकेक खाने के बाद निक पल्लवी ने मानो लाफिंग गैस सूंघ ली हो, क्योंकि इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हम लोग को आदत है कि हम लोग मस्ती मजाक भी करते हैं। एक्चुअली सीरियसली सीन हो नहीं सकता मुझसे वैसे भी, तो मुझे बड़ा मजाक करने को मजा आता है, और बीच बीच में थोड़े से इतनी हंसी आ जाती है कभी कभार कि बिना रीटेक पे रीटेक करने पड़ते हैं। हंसी तो मतलब लड़की फंसी। निक बाबू आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पल्लवी भले ही आपसे आलू प्याज का भाव पूछ रही हो, लेकिन उसे आपके प्यार की कीमत पता है, तभी तो वो आपके रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।